नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं कि जिसके हिसाब से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ये ग्रुप है बीम, कॉलम और स्लैब का, एक यूनिक ग्रुप है। इसमें मेनली एक फ्रेम बना रहता है कॉलम, बीम और स्लैब का। इसको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले स्लैब, जो भी लोड्स रहते हैं, लोड पहले स्लैब के ऊपर आता है, स्लैब से बीम के ऊपर आता है और बीम से कॉलम के ऊपर और कॉलम से नीचे फाउंडेशन के ऊपर आता है। ये सामने एक स्केच है, इस स्केच से आप समझ सकते हैं। जैसे स्लैब के ऊपर लोड आ रहा है, बाद में वो बीम के ऊपर ट्रांसफर होता है, फिर बीम से कॉलम के ऊपर, बाद में कॉलम से नीचे फाउंडेशन के ऊपर और फाउंडेशन से नीचे सॉइल या फिर स्ट्राटा के ऊपर आता है। तो इस हिसाब से ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। अभी हम बात करेंगे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है। लोड बेयरिंग, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर ही लोड लेता है। जैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में मेनली लोड बेयरिंग वॉल्स रहते हैं, ये वॉल के थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर का लोड नीचे जाता है। जैसे इसमें ज़्यादा कॉलम भी कम रहते हैं और वॉल या फिर लोड बेयरिंग जो भी स्ट्रक्चर है उससे पूरा लोड उसका नीचे आता है। अभी ये स्केच है, इसमें स्केच में देख सकते हैं, ये रूफ ट्रस है, उसका लोड नीचे वॉल के ऊपर जा रहा है, वॉल से नीचे सीधा फाउंडेशन के ऊपर जा रहा है और फाउंडेशन से सॉइल या फिर स्ट्राटा के ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम बात करेंगे ये जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस है, ये आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है यूजेस। अभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अभी आजकल हमेशा सब जगह यूज़ किया जाता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पुराने ज़माने में इंजेंट्रीज में यूज़ किया जाता था। जैसे आपने पुराने गांव में या इसमें घर में देखा होगा कि जो घर की दीवारें हैं, 3-3 फीट की दीवारें रहती हैं, वो उसके ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर रहता था, ऊपर ट्रस रहता था। अभी आजकल ये बहुत रेयरली यूज़ कर सकते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। अभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ही ईजी है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये हेवी लोड होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। इसके बाद वॉल कंस्ट्रक्शन, ये वॉल्स जो भी कंस्ट्रक्ट होते हैं ये फ्रेम रेडी होने के बाद में, जैसे कॉलम, जैसे मैंने बोला कॉलम बीम स्लैब एक फ्रेम होता है, फ्रेम होने के बाद में कॉलम के बीच में से वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ऐसे कॉलम बीम्स नहीं रहते, डायरेक्ट वॉल का ही रहता है, ज़्यादातर ब्रिक मैसनरी वॉल या फिर स्टोन मैसनरी वॉल या फिर कुछ ब्लॉक मैसनरी वॉल। इसके बाद लेंथ ऑफ वॉल, अभी इसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वॉल में कुछ लिमिटेशन नहीं रहता, वो कितना लेंथ का भी वॉल हो सकता है। जबकि इसमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में इसमें एक लिमिटेशन रहता है कि एक लिमिटेशन तक, स्ट्रेच तक ही आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एंड डिजाइन। अभी पोजिशंस ऑफ वॉल जैसा अपने को चाहिए उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन में या फिर ड्राइंग में, बाद में प्लानिंग में हम चेंज कर सकते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ये हम चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका एक फिक्स ए रहता है और इसके चलते यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, वॉल्स के डायरेक्ट भी फिक्स रहता है, स्टेज भी फिक्स रहता है। इसके बाद है सॉइल कंडीशन। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर किसी भी तरह के स्ट्राटा के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एकदम हार्ड स्ट्राटा ही ज़रूरत है, उसके ऊपर ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर एक अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ये थोड़ा कम या फिर पोअर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। अभी फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर होने की वजह से या फिर वॉल थिकनेस कम होने की वजह से इसमें आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्लोर एरिया ज़्यादा मिलता है या फिर ज़्यादा अवेलेबल रहता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से फ्लोर एरिया कम मिलता है या फिर कम अवेलेबल होता है।
इसके बाद एक्सकेवेशन की बात अपन करते हैं। अब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में एक्सकेवेशन कम लगता है, जैसे स्ट्राटा के ऊपर वो डिपेंड करता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में एक्सकेवेशन ज़्यादा लगता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में मटेरियल रिक्वायरमेंट कम लगता है कंपेयर टू लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है। सीमेंट स्टील का क्वांटिटी, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सीमेंट और स्टील ज़्यादा लगता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में सीमेंट और स्टील कम लगता है। लेबर रिक्वायरमेंट, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लेबर रिक्वायरमेंट कम लगते हैं, जबकि और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लगते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है और स्किल और अनस्किल्ड दोनों लेबर की ज़रूरत होती है। स्पैन एरिया, अभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लार्ज स्पेन एरिया हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन नहीं रहता, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में लार्ज स्पैन का लिमिटेशन नहीं रहता है, इसलिए वो लार्ज स्पैन पॉसिबल नहीं है। हाइट, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में कोई हाइट का लिमिटेशन नहीं रहता, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हाइट लिमिटेशन रहती है, और ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम 2 to 3 स्टोरेड के लिए ही बनता है या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई रहता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन लो रहता है। रूम डायमेंशन, इसमें जैसे देखा कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग रूम डायमेंशन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं है। कैंटिलीवर एलिमेंट, कैंटिलीवर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, इसका हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ये कैंटिलीवर का देना बहुत ही मुश्किल है, अगर देना भी है तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए हम देख सकते हैं। अभी लाइफ, आरसीसी स्ट्रक्चर अगर प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया तो उसका लाइफ अच्छा है, अगर प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो उसका लाइफ कम होता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इसका मेनली टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो अच्छा नहीं, तो उसका लाइफ यानी कम रहता है। फाउंडेशन कॉस्ट, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में फाउंडेशन कॉस्ट कंपेरेटिव टू लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कम रहता है, जैसे फाउंडेशन का डेप्थ अगर ज़्यादा हो गया उसके हिसाब से अगर फाउंडेशन का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वैसा नहीं रहता, उसका कॉस्ट थोड़ा कम ही रहता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में फाउंडेशन कॉस्ट ज़्यादा रहता है। अभी कॉस्ट, अभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ये इकोनॉमिकल है, जहाँ की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर बहुत सारे बिल्डिंग बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्काईस्क्रैपर, उसके लिए आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सुटेबल है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 स्टोरेज के लिए सुटेबल है। लोड ट्रांसफ़र, अभी लोड ट्रांसफ़र आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड जो होता है वो स्लैब से, बीम से, कॉलम से, फाउंडेशन से सॉइल या स्ट्राटा से ट्रांसफ़र होता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वो जो लोड है वो मेनली वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर से, वॉल मतलब ट्रस या फिर रूफ रहेगा उससे वॉल के ऊपर, वॉल से फाउंडेशन से स्टार्टा के ऊपर सॉइल की तरफ ट्रांसफ़र होता है, इसका मेनली वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर से ही लोड ट्रांसफ़र होता है। सिस्मिक जोन, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सिस्मिक जोन या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस या जो भी है उसके लिए रिजिड और विथस्टैंड हो सकता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ये सिस्मिक जोन या फिर एक्सटर्नल कोई भी फोर्सेस वगैरह उसके लिए विथस्टैंड नहीं होता, इसमें क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स ब्रिक्स से अलग अलग टाइप का मटेरियल का कॉम्बिनेशन रहता है। अभी ओपनिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लार्ज ओपनिंग पॉसिबल है, मतलब जितना चाहे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ओपनिंग रख सकते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में उसमें लिमिटेशन रहते हैं ओपनिंग देने के लिए, वो उसके हिसाब से लाइट के ऊपर या फिर वेंटिलेशन के ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा सुटेबल है या फिर
कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अभी आजकल ज़्यादातर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।